गुड आफ्टरनून टू ऑल. माई सेल्फ रावल सिंह. टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टॉपिक स्पाइना बिफिडा. स्पाइना बिफिडा को हम और जानते हैं किस नाम से, स्प्लिट स्पाइन. यह एक प्रकार की कंजेनिटल एनोमली है जिसमें कि अबनॉर्मल क्लोजर होता है न्यूरल ट्यूब का. स्पाइना बिफिडा इज अ डेवलपमेंटल कंजेनिटल डिसऑर्डर कॉज्ड बाई इनकम्प्लीट क्लोजिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूब. जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टेब्रल कॉलम में ऑक्यूपाई रहता है एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय अ लेयर व्हिच इज नोन एज मेनिंजेस एंड मेनिंजेस इज फर्दर डिवाइड इनटू सेवरल लेयर व्हिच इज नेमली नोन एज ड्यूरा मैटर, एराकोनॉइड मैटर एंड पाया मैटर. इंसिडेंस स्पाइना बिफिडा एक या दो बच्चों में होता है पर 1000 लाइव बर्थ में, बट सर्टन पॉपुलेशन हैव सिग्निफिकेंट ग्रेटर रिस्क. माइलो मेनिंजोसियल इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड कॉमन फॉर्म एंड दिस लीड टू डिसेबिलिटी इन मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल. दिस कंडीशन इज मोर लाइकली टू अपीयर्स इन फीमेल. द कॉज फॉर दिस इज अननोन. कॉज आर नोन एज एटियोलॉजी, मैटरनल डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर फॉर फीवर और एक्सटर्नल सोर्स सच एज हॉट ट्यूब्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट में इंक्रीज द चांसेस ऑफ डिलीवरी अ बेबी विद स्पाइना बिफिडा. मेडिकेशन सच एज एंटी कन्वलजेंट विच इज नेमली नोन एज फेनिटोइन एंड सोडियम वेल्फ्रेट. सोडियम वेल्फ्रेट एंड फेनिटोइन आर टेराटोजेनिक एजेंट विच कैन कॉज कंजेनाइटल डिफेक्ट. प्रेगनेंट वुमेन टेकिंग वेल्प्रोइक एसिड हैज वेल्प्रोइक एसिड हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद स्पाइना बिफिडा. जेनेटिक बेसिस फोलिक एसिड डिफिशेंसी. एज वी नो that folic acid is important for neural tube closure and as well as formation of RBC. And what is the exact timing for giving folic acid supplement? The exact timing for giving folic acid supplement is periconceptional period, and periconceptional period is the period before 3 months of pregnancy and after conception of 3 months of pregnancy. Embryology. Spina bifida caused by the failure of neural tube to close during the first month of embryonic development, often before the mother known she is pregnant. Under normal circumstances, the closure of the neural tube occurs around the 23rd and 70th day after fertilization. जो न्यूरल ट्यूब का क्लोजर होता है वो विद इन मंथ हो जाता है. नॉर्मली 23 से 27 दिन में न्यूरल ट्यूब का क्लोजर हो जाता है. इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हम पेशेंट को फोलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं, हम एडवाइस करते हैं कि पेरिकॉन्सेप्शनल पीरियड में यदि फोलिक एसिड लिया जाए तो बेटर है. एंड पेरिकॉन्सेप्शनल पीरियड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेरिकॉन्सेप्शनल पीरियड बिफोर कंसेप्शन ऑफ 3 months and after conception of 3 months, that means first trimester of pregnancy. Types. Spina bifida mainly divided into two types, Spina bifida occulta and Spina bifida cystica. Spina bifida occulta में कोई भी ऐसी gross abnormality नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ tuft of hair present होते हैं over the lumbar sacral region. Spina bifida cystica is further divided into two types, meningocele and meningomyelocele. Meningocele is the protrusion of meninges along with accumulation of CSF, that means cerebrospinal fluid. And myelomeningocele is the condition, and in this condition protrusion of meninges along with nervous tissue, that means spinal tissue. Spina bifida occulta
इज अ लैटिन फॉर हिडन, दिस इज द मिडेस्ट फॉर्म ऑफ द स्पाइना बिफिडा। इन अकल्टा द आउटर पार्ट ऑफ सम ऑफ द वर्टेब्रा नॉट कंप्लीटली क्लोज्ड, द स्प्लिट इन वर्टेब्रा आर सो स्मॉल दैट द स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट प्रोट्रूड। स्पाइना बिफिडा अकल्टा में, जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी ग्रॉस एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है, पेशेंट को जब आप देखते हैं तो उसके बैक साइड में टफ्ट ऑफ हेयर, दैट मीन्स एक्सेसिव हेयर की ग्रोथ प्रेजेंट होती है। वहीं पे मेनिंजोसील्स में आप क्या देख रहे हैं कि जो आपकी मेनिंजस लेयर होती है उसका प्रोट्रूजन होता है, और मेनिंजस में आपके, जैसा कि मैंने बताया कि 3 लेयर होती हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मेटर एंड पायामेटर। द स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड एरेक्नॉइड मेटर इज कॉल्ड सब ड्यूरल स्पेस, एंड द स्पेस बिटवीन कॉल्ड एरेक्नॉइड एंड पायामेटर इज कॉल्ड सब एरेक्नॉइड स्पेस, एंड सब एरेक्नॉइड स्पेस कंसिस्ट फ्लूड दैट इज द CSF। सो मेनिंजो सील में क्या होता है कि मेनिंजस का प्रोट्रूजन होता है, और मेनिंजस में क्या है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में CSF का फ्लो होता है, तो इस कंडीशन में मेनिंजस के प्रोट्रूजन के साथ साथ में CSF उसमें एक्यूमुलेट होता है। माइलो मेनिंजोसील वो कंडीशन है जिसमें कि मेनिंजस के साथ साथ में जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू हैं वो भी वर्टेब्रल कॉलम से बाहर प्रोट्रूड होते हैं, ऐसी कंडीशन को हम माइलो मेनिंजोसील बोलते हैं। फिजिकल साइन ऑर्थोपेडिक अबनॉर्मेलिटी, ब्लैडर एंड बॉबल कंट्रोल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग इनकॉन्टिनेंस, एंड इनकॉन्टिनेंस इज अ कंडीशन एंड कॉन्टिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड पुअर रीनल फंक्शन, प्रेशर सोर्स एंड स्किन इरीटेशन। प्रेशर सोर्स एंड स्किन इरीटेशन इज द मोस्ट कॉमन, दैट मे बी ड्यू टू इफ यूरिन इनकॉन्टिनेंस अकर्स, कंटिन्यूस मॉइस्चराइज ऑफ स्किन, एंड वेन स्किन इज मॉइस्चराइज बैक्टीरिया और पैथोजेंस विल बी ग्रो, वेन पैथोजेंस आर ग्रो दैट कॉज स्किन इंटीग्रिटी डैमेज। अबनॉर्मल आई मूवमेंट, 68% ऑफ चिल्ड्रन विद स्पाइना बिफिडा हैव एन एलर्जी टू लेटेक्स एंड पैरालिसिस। स्कोलियोसिस इज द कंडीशन अबनॉर्मल लैटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और वर्टेब्रल कॉलम, बैक पेन, पार्शियल और कंप्लीट लैक ऑफ सेंसेशन, वीकनेस ऑफ द हिप, लेग और फीट ऑफ अ न्यूबॉर्न। अदर सिम्टम में इंक्लूड हेयर एट द बैक पार्ट ऑफ द पेल्विस कॉल्ड एज सैक्रल एरिया, डिम्पिंग ऑफ द सैक्रल एरिया, डिम्पलिंग ऑफ द सैक्रल एरिया, डिम्पलिंग जिसमें डिप्रेस्ड फॉर्म, जो डिम्पल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड स्किन, डिफिकल्टी सोलोविंग विच कैन लीड टू चॉकिंग, हॉर्सनेस, ब्रीथ होल्डिंग एंड प्रॉब्लम ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप, बिलो एवरेज इंटेलिजेंसी। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, मैनी इंडिविजुअल विद स्पाइना बिफिडा हैव एन एसोसिएट अबनॉर्मेलिटी ऑफ सेरेबेलम कॉल्ड द अर्नोल्ड चियरी थर्ड मालफॉर्मेशन। इन अफेक्टेड इंडिविजुअल द बैक पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द बैक ऑफ द स्कल डाउन इन टू द अपर नेक। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिफिकल्टी इन सम इंडिविजुअल इंक्लूडिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इनिशिएटिंग एंड वर्किंग मेमोरी। चिल्ड्रन विद स्पाइना बिफिडा एंड सेंटेड हाइड्रोसेफलस हैव हायर रेट ऑफ ADHD, दैट मीन्स ADHD स्टैंड फॉर अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एकेडमिक स्किल, इंडिविजुअल विद स्पाइना बिफिडा में स्ट्रगल एकेडमिकली स्पेशली इन सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीडिंग। इन वन स्टडी 60% ऑफ चिल्ड्रन विद स्पाइना बिफिडा वर डायग्नोस्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी। सोशल कॉम्प्लिकेशन, कंपेयर्ड टू टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन, यूथ विद स्पाइना बिफिडा
may have fewer friends and spend less time with peers. डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग हम इसकी जो है दो इसमें कर सकते हैं. एक तो हमारा होता है एंटीनेटल पीरियड व्हेन फीटस इन द वॉम्ब ऑफ द मदर. इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन चेक करते हैं, और अल्फा फीटोप्रोटीन यदि रेस्ड है तो हम मानते हैं कि पेशेंट का क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने, दैट मीन्स स्पाइना बिफिडा होने के चांसेस होते हैं. आजकल 2D कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि बच्चे को कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है. प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन हम कर सकते हैं. एक तो जैसा कि आपको पता है कि पेरी कॉन्सेप्शनल पीरियड में इसेंशियल होता है फोलिक एसिड का इंटेक करना, जो कि प्रोफाइलैक्सिस डोज जो है इसका 400 माइक्रोग्राम पर डे का होता है. अब और जो फोलिक एसिड प्रोफाइलैक्सिस का एग्जैक्ट टाइमिंग होता है पेरी कॉन्सेप्शनल पीरियड वो होता है जब प्लान्ड प्रेगनेंसी होता है, तो बिफोर कंसेप्शन ऑफ 3 मंथ एंड आफ्टर कंसेप्शन ऑफ 3 मंथ. ऐसी कंडीशन में 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड डेली लेना होता है. पेशेंट को हमें एडवाइस करना होता है कि वेन एवर सी प्रेग्नेंट नेवर टेक एनी टेराइटोजेनिक एजेंट लाइक फेनिटोइन, सोडियम वेलप्रेट एक्सेट्रा. कोई भी ऐसे ड्रग्स नहीं लेना है जो कि टेराइटोजेनिक यानी कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट कॉज करते हैं. ट्रीटमेंट क्या है, इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है. देयर इज नो क्योर फॉर नर्व डैमेज कॉज्ड बाय स्पाइना बिफिडा. इसमें कोई भी क्योर नहीं है. यदि स्पाइना बिफिडा की वजह से कोई भी नर्व डैमेज होती है, क्योंकि आपको पता है जो नर्व हमारी यानी न्यूरॉन, दैट मीन्स नर्वस टिश्यू आर इरिवर्सिबल डैमेज. इफ़ वन टाइम डैमेज अकर नेवर बी रिवर्स. ये जो है यानी हमारे जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो एक बार यदि डैमेज हो गए तो उनका रिवर्स यानी रीजनरेट नहीं होते. स्पाइनल कॉर्ड इट्स नर्व रूट आर पुट बैक इनसाइड द स्पाइन एंड कवर्ड विद मेनिंजेस. आजकल जो मॉडिफिएबल सर्जरी होती हैं उससे क्या हम यानी जो मेनिंजोसील या मेनिंजोमाइलोसील वाली कंडीशन को करेक्ट करते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड न्यूरो सर्जरी होता. मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स मसल्स एंड जॉइंट. जैसा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पॉइंट्स हैं एंड आफ्टर सर्जरी ऑफ बेबी हमें क्या करना होता है, बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जॉइंट्स को, जैसे कि 1 मंथ में बच्चा नेक फोल्ड करने लगता है कि नहीं, उसका 5 to 6 मंथ में वेट डबल हो जाता है कि नहीं, एट द 1 ईयर उसकी हाइट जो है एट द 75 सेंटीमीटर हो जाती है कि नहीं. ये सारे के सारे जो हमारे एंथ्रोपोमेट्रिक एग्जामिनेशन हैं या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं, हमें उन पे ध्यान देना होता है. ट्रीट एंड इवेल्युएट नर्वस सिस्टम इशू सच एज सीजर डिसऑर्डर. फिजिकल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी. इफ़ एनी न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट इन चाइल्ड, फिजिकल थेरेपी दैट मीन्स फिजियोथेरेपी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल कंपोनेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी. स्पीच थेरेपी इफ़ एनी वर्बल डिफेक्ट, इमीडिएट केयर हमें क्या करना होता है, जैसे कि बच्चा हमारे पास न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में स्पाइना बिफिडा एंड दैट कंडीशन एसोसिएट विद मेनिंजोसील और मेनिंजोमाइलोसील. मेनिंजोसील या मेनिंजोमाइलोसील का बच्चा यदि हमारे पास इंटेंसिव यानी न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में आता है तो सबसे पहले तो हमें उसे प्रोन पोजिशन में लिटा देना होता है. कवर द एफेक्टेड विद स्टराइल गोज पीस डिप्ड इन नॉर्मल सेलाइन, और उस पर कोई भी इरिटेंट नहीं डालना होता है, जस्ट लाइक बीटाडीन और क्लोरीन वाटर. सिंपली कवर द प्रोट्रूडेड पार्ट विद स्टराइल गोज एंड डिप्ड विद नॉर्मल सेलाइन, यानी नॉर्मल सेलाइन में डिप करके हमें स्टराइल गोज से
उसका जो स्पाइनल कॉर्ड यानी प्रोट्रूडेड पार्ट है उसको कवर कर देना होता है। मेंटेन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए ऐसा नहीं ज़रूरी है कि हमें बच्चे को बॉटल लगाना है या आईवी कैनुला लगाना है। बच्चों के साथ इन्वेजिव प्रोसीजर मिनिमाइज किए जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को फीड कराएं। इफ़ बेबी इज स्टेबल कंडीशन, अगर वो स्पून फीड कर सकता है तो स्पून फीड, अदरवाइज वी ट्राई टू गवाज फीडिंग। गवाज फीडिंग यानी ट्यूब फीडिंग। मॉनिटर फॉर एसोसिएट डिफेक्ट, और उसके एसोसिएट डिफेक्ट को हमें क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की। अगर कोई भी इरिवर्सिबल डैमेज बच्चे में होता है तो हमें बेसिकली क्या, कैथेटर्स यानी जिससे कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस ना हो, ब्रेसेस, हाई फाइबर डाइट जिससे कि हाई फाइबर डाइट क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन रिलेवेंट होते हैं, एंटीबायोटिक्स में भी यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट इन्फेक्शन सच एज मैनिंजाइटिस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्योंकि आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का रिलेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, अगर जरा सा भी कोई भी पैथोजेंस की एंट्री एट द साइट ऑफ द मेनिंजोसील और मेनिंजोमाइलोसील से एंट्री होती है तो वो पैथोजेंस ट्रेवल होके आपके ब्रेन पे जाते हैं और ब्रेन पे जाके क्या करेंगे, कंडीशन एक कॉज करते हैं जिसका नाम होता है मेनिंजाइटिस। एंड मेनिंजाइटिस इज द कंडीशन दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसमें जो है कंटिन्यूस यानी यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है। यूरिन इनकॉन्टिनेंस होने की वजह से पेशेंट में यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। तो यूटीआई और मेनिंजाइटिस जो कि पैथोजेंस के इन्फेक्शन या पैथोजन के इंट्री करने से हो रहे हैं, तो हमें इनको कैसे ट्रीट करना होता है अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द एंटीबायोटिक्स। कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर नहीं हम बच्चे को टाइमली ट्रीट कर पाते हैं तो डिफ़िकल्टी डिलीवरी विद प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक बर्थ इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैल्सी एंड डिक्रीज ऑक्सीजन टू द ब्रेन। बच्चे को अगर एक कंडीशन होती है बर्थ एस्पेक्सिया, एंड बर्थ एस्पेक्सिया इज अ कंडीशन व्हेन बेबी डिलेट क्राइंग। मानते ऐसा है कि जब बेबी फर्स्ट क्राई करता है तो उसी के साथ में उसके ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है। अगर बच्चा डिलेट क्राइंग करता है तो ब्रेन में ऑक्सीजन डिले पहुंचती है जिससे कि बच्चे में ब्रेन टिश्यू का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और ब्रेन टिश्यू का डैमेज होने से जो एसोसिएट कंडीशन होती है वो बच्चे को देखने मिलती है, जैसे कि इंक्रीज टोन, कन्वल्जन, एक्सेसिव हाई प्रिच क्राई एक्सेट्रा। फ्रिक्वेंसी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपने पढ़ लिया कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस की वजह से क्या होता है, पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जो कि लगातार बार बार होता रहता है। हाइड्रोसिफिलिस, हाइड्रोसिफिलिस यानी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, लॉस ऑफ बोवेल और ब्लैडर कंट्रोल, यानी आपने पढ़ा था कि ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस या बोवेल इनकॉन्टिनेंस होता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, परमानेंट वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ लेग। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द स्पाइना बिफिडा। सो बिफोर एंडिंग ऑफ माई टॉपिक आई वॉन्ट टू कंक्लूड इट। स्पाइना बिफिडा एक कंडीशन है जिसमें कि जो हमारी न्यूरल ट्यूब है उसका अबनॉर्मल क्लोजर होता है। न्यूरल ट्यूब के अबनॉर्मल क्लोजर से जो यानी वर्टेब्रल कॉलम से जो मेनिंजस है वो प्रोट्रूड होके बाहर आती है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोसील। मेनिंजस के साथ साथ में यदि हमारे स्पाइनल टिश्यू भी वर्टेब्रल कॉलम से बाहर आते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनिंजोमाइलोसील। इसका इंसिडेंस जो है हमें एक से दो बच्चों में पर 1000 बर्थ में देखने को मिलता है। इसका जो इंसिडेंस यानी एपिडेमियोलॉजी है, इंसिडेंस एक से दो बच्चे पर 1000 लाइव बर्थ में देखने को मिलता है। इसका जो बेसिकली कारण है, कोई एग्जैक्ट कारण नहीं पता है, यानी एटियोलॉजी नहीं पता। मानते ऐसा है कि इफ़ मदर इज़ नॉट टेकन फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर ने फोलिक एसिड नहीं लिया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो उसमें रिस्क ऐसा देखने को मिलता है।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी टेराइटोजेनिक एजेंट का इंटेक किया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि फेनिटोइन और सोडियम वैलप्रोएट, तो ऐसा ऐसे पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके लिए जो कंडीशंस होते हैं, टाइप्स होते हैं, बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन दो, एक स्पाइना बिफिडा सिस्टिका, दूसरा स्पाइना बिफिडा अकल्टा। स्पाइना बिफिडा अकल्टा जो होता है उसमें कोई भी ग्रॉस एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। जब हम बच्चे के पोस्टीरियर पार्ट दैट मीन्स बैक साइड पे देखते हैं तो ओनली टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती, कोई भी ऐसा प्रोट्रूजन मेनिंजेस का नहीं देखने को मिलता। बात करते हैं सिस्टिका की, तो सिस्टिका हमारा फर्दर दो टाइप में डिवाइड होता है, एक मेनिंजोसील, दूसरा मेनिंजोमाइलोसील। मेनिंजोसील में जो होती है कंडीशन वो यानी प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजेस, एंड मेनिंजोमाइलोसील में मेनिंजेस के साथ साथ में नर्वस टिश्यू का भी प्रोट्रूजन होता है। ठीक है, तो इसको प्रिवेंशन के लिए हमें मदर को टीच करना होता है कि फोलिक एसिड का इंटेक करना है, कोई भी टेराइटोजेनिक एजेंट नहीं लेना है। ठीक है, बच्चा यदि हमारे पास ऐसा कोई आता है तो हमें सबसे पहले उसको प्रोन पोजीशन में लिटाना है, बैक साइड में नहीं लिटाना है, साइड बैक साइड में नहीं लिटाना है उसको। और उसके बाद हमें क्या करना है, स्टराइल गोज पीस से नॉर्मल सलाइन में डिप करके उसके पार्ट को क्या करना है, कवर करना है, जिससे कि कोई पैथोजेंस फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना कॉज कर सके, जस्ट लाइक मेनिंजाइटिस और एनी लोकल इन्फेक्शन। थैंक यू।